सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये है हमारे पास रियलमी C33 मोबाइल, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन सेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपके फ़ोन पर आपका फ़ोन लॉक होता है, कहीं पर भी रखा होता है, ठीक है। अभी हमारा फ़ोन लॉक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों, कहीं पर रखा है तो यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन, जैसे ही आएगा घर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे देख सकता है किसका आया है और पढ़ सकता है जो भी है XYZ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लॉक स्क्रीन पर हमारा यहाँ पे दोस्तों जो है ना दिखे, अब जब अनलॉक हो चुका है उसके बाद में हम ही को दिखे, ठीक है। जैसे हम अनलॉक करेंगे अपना फ़ोन, तब हमको दिखना चाहिए क्या आया मैसेज क्या नहीं, ठीक है। तो इसे बंद करने के लिए आपको करना क्या है, मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। और जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, यहाँ पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट, यानी दोस्तों सभी नोटिफिकेशन आपको लॉक स्क्रीन पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सो सेंसिटिव कंटेंट ओनली व्हेन अनलॉकेड। अगर दोस्तों आप दूसरे पे लगा देते हैं, ठीक है, तो दूसरे पे जैसे लग जाएगा तब दोस्तों अनलॉक होगा, तभी आपको दिखेंगे, लॉक स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों इसी बीच पे आपको लगा के रखना है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं लॉक स्क्रीन पर बिल्कुल सो ही ना हो, कहीं पर भी ना सो हो, तो डू नॉट सो नोटिफिकेशन ऑल, इस पे आप टिक कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन ही नहीं सो होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। जहां व्हाट्सएप में जाएंगे तब व्हाट्सएप पे मिलेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तब मिलेंगे, फेसबुक पे जाएंगे तब आपको मिलेंगे।